साथियों, अभी जो आप ये मोटर देख रहे हैं, ये 2 HP का वाटर पंप मोटर है। आज इसको हम रिवाइंडिंग कर चुके हैं और आप देख सकते हैं कि इसको अच्छी तरह से रिवाइंडिंग करने के बाद यहाँ पे आप देख लीजिए, इसका लूप वगैरह हम निकाले हुए हैं। आप देख सकते हैं ये दोस्तों डबल फेस मोटर है और दोस्तों इसमें 50 MFD का कैपेसिटर लगता है। जैसे कि आप ये मेरे पास एक कैपेसिटर देख रहे हैं, ये कैपेसिटर बिल्कुल बुरी तरह से फटा हुआ है, ठीक है, आपका ओरिजिनल ही है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इस मोटर की वाइंडिंग डाटा भी आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। और ये दोस्तों आप देख रहे हैं कि फराटा फैन है, इसको हम वाइंडिंग कर चुके हैं और एक तरफ धागा से बांध चुके हैं, एक तरफ के लिए हम लूप बना चुके हैं। और देखिए दोस्तों, अब मैं इस किर्लोस्कर मोटर की वाइंडिंग डाटा आप लोगों के सामने शेयर कर दूँगा। तो आप लोग को अगर इस मोटर की वाइंडिंग डाटा देखना हो तो आप लोग फिलहाल वीडियो में बने रहें और एक अच्छी तरह से इसका सटीक डाटा देख लें। तो साथियों, मैं इस मोटर की बात करूं तो आप इसका यहाँ पे बॉडी देख सकते हैं, वाटर पंप देख सकते हैं, यहाँ रखा हुआ है, आप देख लीजिए क्लियर रूप से, आप देख सकते हैं ये 2 HP का वाटर पंप है। और साथियों, मैं इस मोटर को जो वाइंडिंग किया हूँ तो ये मोटर हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज दोनों पर वर्क करेगा, यानी कि 440 और सिंगल फेज दोनों पर वर्क करेगा। तो आप देख लीजिए, इसको हमने अच्छी तरह से रिवाइंडिंग कर चुके हैं और धागा वगैरह लगा चुके हैं, वार्निश वगैरह भी कंप्लीट रूप से कर चुके हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं एकदम फ्रेश, एकदम न्यू वाइंडिंग है। तो चलिए साथियों, अब मैं इसका वाइंडिंग डाटा आप लोगों के सामने शेयर कर दे रहा हूं, तो आप लोग इसका वाइंडिंग डाटा ज़रूर देख लें। अगर साथियों आप लोगों को अगर हमारे चैनल पर कुछ नई जानकारी सीखने को मिल रहा हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन को दबाइए। ये दोस्तों मोटर बुरी तरह से जला हुआ था, आप देख सकते हैं कैपेसिटर फटने के कारण यह काफ़ी जल चुका था, जिसको हमने पूर्ण रूप से आज रिवाइंडिंग कर चुके हैं और नया रिवाइंडिंग किए हुए हैं। और ये डबल फेस मोटर है और आप देख सकते हैं ये किर्लोस्कर का वाटर पंप मोटर है, जो कि दोस्तों 80 फीट नीचे से पानी खींचने में सक्षम होता है। और दोस्तों, इसकी कोर लेंथ की बात कर लें, यानी कि इसकी स्टैम्पिंग की लंबाई की बात करें तो साथियों ये 4 इंच में है। और दोस्तों, इसकी कुल रनिंग का कॉइल का गोलाई का जो लेंथ रखना है गोलाई में, तो 6 इंची रखना है। साथियों, इसका हम वाइंडिंग डाटा की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, इसमें कुल 24 स्लॉट होता है, 2 छोटी स्लॉट नीचे और 2 छोटी स्लॉट ऊपर होता है। और दोस्तों, इसमें 1.5 mm का कटिंग पेपर लगता है, यानी कि 1.5 इंच का कटिंग पेपर लगता है। आप देख सकते हैं नीचे से गोल करके मोड़ा जाता है। और दोस्तों, इसका स्टैम्पिंग की लंबाई 4 इंची है। इसमें हमने 10 नंबर PVC पेपर इंस्टॉल किए हुए हैं और 10 नंबर से ही लॉक भी लगाए हुए हैं और 10 नंबर ही साइड में दे करके, मतलब स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में दे करके धागा से बांधे हुए हैं। और ये दोस्तों कॉटन टेप से हमने बांधे हैं। अब चलिए साथियों, इसका हम डाटा की तरफ बढ़ते हैं और इसका एक बेहतरीन डाटा आपको देते हैं। तो देखिए, अगर आप लोग सबसे पहले इसका कॉइल रनिंग का कॉइल बनाइएगा तो ये जो आप फरमे देख रहे हैं, इस फरमे की बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक 6 इंच रखना है। इसका गोलाई ऑटोमेटिक रनिंग का निकल जाएगा। दोनों फरमे की बीच की दूरी अगर 6 इंच हो गया तो इसका लेंथ कॉइल का ऑटोमेटिक निकल जाएगा। बीच में 2 छोटी स्लॉट और 1 बड़ी स्लॉट छोड़ करके, यानी कि 4 फुल स्लॉट छोड़ करके रनिंग का कॉइल डालना है। रनिंग में दोस्तों आपको 21 नंबर से 38-38 टर्न देना है रनिंग के लिए। और साथियों, स्टार्टिंग में सिंगल 20 से 40-40 टर्न देना है। इसका भी कॉइल का लेंथ वही रहेगा, सारा कुछ वही रहेगा। और दोस्तों, इसमें 50 MFD कैपेसिटर चलेगा, ये 80 फीट नीचे से पानी खींचने में सक्षम होता है। अगर आपकी बोरवेल की गहराई 80 फीट है तो वहाँ से ये पानी आपका निकाल देगा, कोई दिक्कत नहीं होता है। और दोस्तों, पानी सबसे ज़्यादा देता है। और दोस्तों, इसमें कैपेसिटर जो यूज़ करना है तो आपको 50 MFD/440 V का कैपेसिटर यूज करना है। उम्मीद करता हूं साथियों कि इस वीडियो में आपने इस मोटर की वाइंडिंग डाटा देख लिए होंगे। अगर साथियों वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग हमारी डाटा को एक बार जरूर ट्राई करें और ट्राई करके पुनः आप लोग मोटर का रिवाइंडिंग करके हमें कमेंट करके बताएं कि मोटर कितना पानी दे रहा है, कितना अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है। लेकिन दोस्तों, ये डबल और सिंगल फेज दोनों पर वर्क करेगा। तो मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।